स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? मैम कम आ रही है बहुत। कम आवाज आ रही है? यस मैम बहुत हल्की है। वैसे तो क्लासरूम में हूँ मैं, ट्राई थोड़ा सा जो आप में से कोई स्टूडेंट इस तरह का तो नहीं है कि जिनको अभी तक एलएमएस पे एनरोलमेंट का या कोई इस तरह का इशू आ रहा हो? जो जिन कुछ स्टूडेंट्स थे मतलब मुझे कहा था तो मैंने उनको जो है वो मैंने एनरोल कर दिया। अब आई थिंक कि आप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। जी अफसल और ये बच्चे अनम्यूट करें शाबाश। अफसल और ये यस मैम क्या बताएं हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम? टॉपिक का नाम बताएं। मैम हमने वो डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें वो अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम और बाद में हमने वो और क्या पढ़ा था? टॉपिक का नाम बता दें बस। मैम वो मिनाहिल शहजाद। बच्चे आप अनम्यूट करो शाबाश। मिनाहिल शहजाद मिनाहिल शहजाद बच्चे आप क्लास में हैं अनम्यूट करें। मोहम्मद यासीन बच्चे आप अनम्यूट करें जल्दी से शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मैम। बेटा मुझे आप बताएं हमने पढ़े थे लास्ट टाइम पढ़ा था कि रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन इन रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है? उसे मैंने आपको दो तरह से एक थे क्लिनिकल और एक थे रिसर्च। आप मुझे कोई से बच्चे थ्री क्लिनिकल रीजंस बता दें। मैम इसका क्लिनिकल रीजन और क्लिनिकल रीजन मैम हमने पढ़ा था कि एक तो आपने बताया था इसकी दो होती है रीजन, एक क्लिनिकल एक रिसर्च। जो क्लिनिकल होता है उसमें मैम हम कर रहे होते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ हम रीजन वगैरह और या कोई जो भी हमें आउटकम मिल रहा होता है उसको प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, और उसके अलावा हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट का इसके साथ कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि मतलब कि जो हम मोडलिटी यूज कर रहे हैं वो इमेजिन मोडलिटी मतलब गुड हेल्प कर रही है या नहीं। बेटा इमेजिंग मोडलिटी नहीं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बनने जा रहे हो ना तो आप जो मोडलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं, इसके अगर हमने इफेक्टिवनेस देखनी हो तो हम मोडलिटी से जो है वो इमेजिंग मोडलिटी से हेल्प ले रहे होते हैं। जी मैम। ओके फाइन। मोहम्मद यूसुफ उमर बच्चे आप अनम्यूट करें शाबाश। उमर या उमर जी मैम। बेटा आप मुझे बताएं रिसर्च रीजंस कौन कौन से थे? मैम रिसर्च रीजन ये थे कि हमने बायोमैकेनिकल स्टडीज़ पढ़नी है, मतलब ये हमें तो वैसे नहीं पढ़नी, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो पढ़ते हैं जिसमें सेल्स के हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर हम कोरिलेट क्लिनिकल टेस्ट और विद इमेजिंग फाइंडिंग हम देखते हैं। मतलब अगर किसी को अल्ना नर्व इंजरी है तो हम पहले उसका क्लिनिकल टेस्ट करेंगे, मतलब उसको हम टेनाइल टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी इमेजिंग फाइंडिंग देखेंगे मतलब एक्सरे कराएंगे उसका, फिर हम उसको कोरिलेट करेंगे आपस में। फिर हम उसकी नेक्स्ट है कि हम उसकी जो मोडलिटीज है उसके हम वैलिड देखेंगे वो कितना वैलिड है और कितना रिलायबल है इन रिसर्च पर्पस के लिए। ओके फाइन ठीक है शाबाश। अच्छा जी कोई बच्चा ऐसा नहीं है हैंडिस नहीं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है जो आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं? जी आप लोग जो है ना वो मतलब उस तरह से आप लोग पढ़ नहीं रहे भाई, तो आप लोग एलएमएस पे देख ही रहे, मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करी हूं, आप लोगों को लेक्चर भी अपलोड करी हूं, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है क्लास में इस तरह के हैं जिनको या तो इंटरेस्ट नहीं है या वो फिर उनको समझ नहीं आ रही है या आई डोंट नो कि क्या इशू है। तो बच्चे इसको आप साथ साथ पढ़ें, ठीक है? अगर साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज नहीं समझ आए, ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम जो है वो बेसिकली डिस्कस किया था, बेसिकली ये लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है जी? मैंने आपको बताया था रोल ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग इन रिहैबिलिटेशन और आई थिंक यही तक हमने पढ़ा था।
एक्सरसाइज मुझे को बच्चा बता दे, एक्सरसाइज हमने शुरू किया था या नहीं किया था? मैम हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसके हम लोगों के पास ना वो रह गए थे न्यूक्लियर मेडिसिन के 3 पार्ट्स रह गए थे, टाइप्स जो थी। नहीं ये वाला नहीं हमने पढ़ा था, ये वाला मैम इसी स्लाइड से स्टार्ट करना है मैम। एक्सरे इसका आपने मैम ओवरव्यू दिया था, 2-3 स्लाइड्स की थी मैम इसकी। यस मैम रिसर्च तक किया बस। बेटा रोल मैंने आपको एक तो न्यूक्लियर मेडिसिन के पार्ट्स पढ़ाए थे, उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था ना कि क्लिनिकल रूल की सारी फिगर्स पढ़ते। यस मैम ये 3 पार्ट्स पढ़े थे मैम, ये वाला नहीं किया। हो गया था ये। ओके जी। अच्छा जी, अब हमने मैंने आपको बता दिया था कि सब स्पेशलिटीज हैं, अब हम वन बाय वन हर स्पेशलिटी को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अब हम एक्सरे से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एक्सरे? इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी विजिबल जो जैसे लाइट है या बाकी जो वेव्स होती है दैट आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट एक्सरे जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट इसकी वेवलेंथ जो है वो बेसिकली हमारे पास शॉर्ट होती है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे मशीन सेंड्स इंडिविजुअल एक्सरे पार्टिकल्स through the body, the images are recorded on a computer or cellular. ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सरे में जो है वो हमारे पास एक डिटेक्टर हम रखते हैं और वो डिटेक्ट करता है एक्सरेज को, और बॉडी का जो इमेज होता है वो उसके ऊपर क्लियरली आपको एक फिल्म की फॉर्म में या एक कंप्यूटर की इमेज की फॉर्म में जो है वो आपको दे देता है। विलियम कॉनार्ड रोटेंजन ने बेसिकली जो है वो एक्सरेज को जो था वो डिस्कवर किया था। एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1895 by the German physician William Roentgen when using a Crookes tube. He called them X-rays, X for unknown. ठीक है जी, basically यानी कि वो Crookes tube को use कर रहे थे और वहाँ से उसको without any reason के लिए rays जो है वो वहाँ पर generate हुई और उन्होंने इसलिए उसको X-rays यानी without any reason जो है unknown reason की वजह से उसको ये X-rays का जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि X-rays होती क्या है। ठीक है, electromagnetic radiation है but short wavelength। किसने डिस्कवर किया था? विलियम कॉनार्ड रोटेंजन ने डिस्कवर किया था। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये उसने जो फर्स्ट इमेज लिया था एक्सरे का वो इस तरह का। ठीक है, अब अगर आप इसको आजकल के जो हमारा इमेज होता है एक्सरे का उसके साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा, देखिए कितना ब्लर इमेज है। हमें इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं पता चल रहा है, कोई फ्रेंजेस का नहीं पता चल रहा, सॉफ्ट टिश्यूज भी नहीं इसमें जो है वो प्रॉपरली पता चल रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का यहाँ फ्रैक्चर हो तो आपको कोई इतना क्लियरली इमेज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बच्चे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है तो अब इमेज भी जो है वो हमारे पास और मजीद जो है वो क्या है, क्लियर जो है और विजिबल जो है वो आना शुरू हो गया। ठीक है जी, अब आप देखेंगे ये जो था जब टेंजन ने डिस्कवर किया तो किस किस्म का उसका एक्सरे जो था वो आया। ठीक है, और आजकल का जो इमेज है वो हमारा इस तरह का है। अब आप देखेंगे जो जो है आई थिंक जो ले मैन भी इंसान होगा उसको भी शायद एक्सरे देख के पता चल जाएगा यहाँ पे बोर्ड में कोई मसला है या कुछ इस तरह। ठीक है, इतना क्लियर अब हमें जो है वो इमेज आ रहा होता है। फिर मैंने आपको बताया था जब हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि अब कुछ टेक्नोलॉजीज हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। ओके, सो ये आपका जस्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि एक्सरेज होती क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया। ठीक है जी बेटा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सरे मशीन। अब एक्सरे मशीन, एक मैंने आपको इमेज दिखाया था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह एक्सरे टेबल होता है, इस पर आप पेशेंट को लिटाते हैं, ऊपर ही हमारे पास इस तरह से एक्सरे जनरेटर होता है जहाँ से एक्सरेज जनरेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे जो है वो डिटेक्टर लगाते हैं और वो डिटेक्टर जो है वो एक्सरेज को क्या करता है, उसका इमेज जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये बेसिकली यूजली हम लंबर के लिए, ठीक है, अगर आपने जो है वो अपर लिंग या लोअर लिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है यूजली हम जो है वो कर रहे होते हैं जब हमने ट्रंक का या चेस्ट का कोई एक्सरे करना होता है। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा ये तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मशीन दिखाई है जो कि शायद आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखी भी होगी। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे मोबाइल एक्सरे मशीन हमारे पास आ गए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ये होते हैं इमरजेंसी का कोई पेशेंट आया उसके एक्सरे के लिए मशीन जो है वो एक्सरे मशीन को लेके आ जाता है ड्रैग करके उसे। ठीक है, तो वो मोबाइल एक्सरे मशीन भी अब जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। आपके पास सेल फॉर्म सेल जो है वो जैसे ऐप होती है, इस फॉर्म में भी आपके पास जो है वो एक्सरे मशीन जो है वो इस लेवल पे भी जो है वो हमारे पास अब जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो पर्पस है वो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्सरे मशीन के कॉम्पोनेंट्स जो है वो क्या। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेटा होते हैं 3 तरह के कॉम्पोनेंट्स। नंबर 1 है हमारे पास ट्यूब हेड वेयर द एक्सरेज आर जनरेटेड। ठीक है,
जहां से एक्सरे जनरेट होना है वो क्या है, ट्यूब हेड है। दूसरा पार्ट हमारे पास है कंट्रोल्ड पैनल व्हिच रेगुलेट द स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस एंड ट्रिगर द एक्सपोजर। ठीक है, अब आप देखिए ट्यूब हेड ना ही शो कर रहा है कि वो क्या है, वो हेड है। हेड का क्या मतलब है, जो क्या करेगा, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ट्यूब हेड क्या करेगा, सारी एक्सरेज को जनरेट करेगा। ठीक है, सेकंड क्या बात हो गई, कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब कंट्रोल पैनल अगेन उसका नाम शो कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। किस चीज को जी कंट्रोल करना है, कितनी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किस स्ट्रेंथ के साथ प्रोड्यूस हो रही है, वो कंट्रोल पैनल देख रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे पास पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या काम है, विच प्रोवाइड द एनर्जी टू क्रिएट द एक्सरेज। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सरे मशीन की क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आपने मुझे तीन कंपोनेंट बताने हैं, ट्यूब हेड, कंट्रोल पैनल और पावर सप्लाई। ठीक है, ट्यूब हेड जनरेट कर रहा है, कंट्रोल पैनल रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, कितनी जो है वो अमाउंट पे रेज में प्रोड्यूस होना है। ठीक है, और पावर सप्लाई क्या कर रहा है, बेसिकली हमें वो जो एक्सरेज जनरेट होनी है उसके लिए जो एसी पीछे से सप्लाई आ रही होती है, वो इसी की पावर सप्लाई जो है वो देना होता है। ठीक है, ये आप जब ये देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। ठीक है, ये जो बेसिकली ट्यूब है, ठीक है, ये इस तरह से ट्यूब होती है, इसमें एनोड है, कैथोड अटैच होते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई अटैच होती है। ठीक है, ये जो विंडो है बेसिकली ये हमारे पास एक्ट कर रही होती है एज अ कंट्रोल पैनल। ठीक है, यहाँ से हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, जनरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसके तरफ, टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, एनोड के पास जाके वहाँ जो है वो टुवर्ड्स मूव करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो इमिशन होगी, और उसके बाद जो है वो क्या होगा, यहाँ से एक्सरेज जो है वो जनरेट होगी, और ये कंट्रोल पैनल से पास करके यहाँ से जो भी बॉडी का पार्ट होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल अपर लिप यहाँ पे बड़ा हुआ, ठीक है, उससे जो है वो पास होगी, उसके नीचे हमने डिटेक्टर लगाया होगा और वो डिटेक्ट कर देगा कि बॉडी के जो भी एरिया था उसमें क्या इश्यू था। ठीक है, अब इसको अगर हम स्टेप वाइज करें, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल जो है वो उसका थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, अगर आप इसको स्टेप वाइज देखें तो नंबर वन क्या है, फिलामेंट इज हीटेड एंड गिव्स ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फिलामेंट या जो हमारे पास सप्लाई लगी हुई है पावर सप्लाई, वो क्या होगा, हीटेड अप हो जाएगी। जब वो हीटेड अप हो जाएगी तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लाउड की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की होती है, इलेक्ट्रॉन का एक जो है वो बंडल जो है वो क्या होता है, इमिट हो रहा होगा। ठीक है, वो इमिट होगा, अ लार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्लेस्ड इन कैथोड एनोड स्पेस कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू रेज टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या हुआ, वहां पे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिकल चार्ज ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ जो है वो मूव किया, एनोड की तरफ मूव किया। जब इलेक्ट्रॉन्स की थर्मियोनिक इमिशन हुई क्लाउड की फॉर्म में, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आए, इन इलेक्ट्रॉन्स से क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया टुवर्ड्स किसके, एनोड के। ठीक है, ये एनोड रखी हुई है, ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज बना, चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया टुवर्ड्स द एनोड। जब यहाँ पे एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स मूव किए तो यहाँ से हमारे पास क्या जनरेट होगी, X-rays, ठीक है जी, X-rays produced when high-speed electrons hit the metal target, ठीक है जी, यहाँ पे जो metal target है, node का attach है, इसको जाके hit करेंगे, यहाँ से X-rays जो है वो हमारे पास निकले, ओके? तो बेटा ये एक आपके पास brief सा introduction है कि X-rays किस तरह produce होती हैं, ठीक है? मैं फिर से repeat कर देती हूँ, हमने पढ़ लिए standard X-ray machine के तीन parts बताए मैंने आपको, जो head है, ठीक है, control panel है, power supply है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सरेज प्रोड्यूस का किस तरह होती है। ठीक है, उसमें भी आगे बस ये जो थ्री स्टेप्स हैं इन अ ब्रीफ वे आगे जो है वो उसको याद कर लेना है कि फिलामेंट हीट अप होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं बाय थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होंगे टुवर्ड्स द एनोड बाय हाई वोल्टेज कह सकते हैं या बाय हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जब वो वहां जाके हिट करेंगे मेटल टारगेट को एनोड के, तो क्या होगा, वहां से हमारे पास एज अ रिजल्ट एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये पूरा जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक्सरे ट्यूब है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक्सरेज होती है, ठीक है, किस तरह डिस्कवर हुई,
एक्सरे मशीन के क्या कॉम्पोनेंट्स है और एक्सरे जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं. ओके, प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी और एक्सरे रेडियोग्राफी. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बेसिकली जो रेडियोग्राफी है या जो रेडियोग्राफ्स हैं दे आर आल्सो नोन एज एक्सरे. रेडियोग्राफ्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ एक्सरेज विदाउट एडिड कंट्रास्ट मटेरियल such as barium or iodine through a patient to a capture device then converted into an image for diagnosis. ठीक है, तो बेटा देखिए जब आपको मैंने पढ़ाया था फ्लोरोस्कोपी तो आपको याद होगा मैंने कहा था फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है एक कंट्रास्ट हमें डालना पड़ता है. ठीक है, कोई डाई डालना पड़ता है हमें पेशेंट के पास. क्यों? ताकि हमारे पास पेशेंट का जो भी एरिया है वो उसका इमेज जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, बट एक्सरेज में क्या हो रहा है, रेडियोग्राफ्स में क्या हो रहा है, हमें कंट्रास्ट मटीरियल की जरूरत नहीं है. ठीक है, विदाउट एडिड कंट्रास्ट मटीरियल, किसी कंट्रास्ट मटीरियल की जरूरत नहीं है. सिंपल क्या है कि जी ये यहाँ पे हमारे पास पेशेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, पेशेंट है. ठीक है, कोई भी पेशेंट का आप एरिया ले लीजिए. यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक्सरे सोर्स है, यानी कि यहाँ पे एक्सरे मशीन है. ठीक है जी, एक्सरे मशीन से एक्सरे निकली, पेशेंट की से उसने क्रॉस किया, नीचे हमने डिटेक्टर रखा हुआ है, डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया और यहाँ पे इमेज भर. ठीक है, इट इज इतना ये आपके पास एक सिंपल जो है वो प्रोसेस. ठीक है, तो अब आपने याद रखना है अगर आपसे पूछा जाएगा किस तरह से एक्सरे जो है वो जनरेट होती है और किस तरह से जो है ये इसका इमेज बनता है, तो आप सीधा से कहते हैं हमारे पास एक्सरे सोर्स है, उसके आगे आप पेशेंट को जो है वो हम एडजस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे ही एक्सरे उसको क्रॉस करती है नीचे हमने एक डिटेक्टर अटैच किया होता है, वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और इमेज जो है वो आपके बॉडी पार्ट का वहां पे बन जाता है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. ठीक है जी, जैसे बच्चों मैं भी आपको पहले बता रही थी कि आपके पास जो है वो अब एक तो मैंने आपको स्टैंडर्ड मशीन दिखाई है ना, जो कि टिपिकल एक मशीन है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और बहुत पुराने पुराने हॉस्पिटल्स में पड़ी है. ठीक है, अब कुछ हमारे पास जो है वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है. ठीक है, रिमोट कंट्रोल्ड आरएफ केबल्स. ठीक है, इसी तरह से मोबाइल रेडियोग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट जो है वो एमरजेंसी में होता है. ठीक है, तो वहां पे भी जो है वो क्या करते हैं, एक्सरे मशीन को वहां तक ले जाते हैं. ठीक है, क्योंकि पेशेंट अगर नहीं आपके पास जा सक रहा, रेडियोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहा या रेडियो जो जहाँ पे एक्सरे रूम है वहां तक नहीं जा पा रहा, तो क्या है कि मशीन पेशेंट तक आ जाएगी. ठीक है, यूजली आईसीयूज में एमरजेंसी में ये जो हमारे पास मोबाइल रेडियोग्राफी यूज होती है, इसी तरह से ये डिजिटल रेडियोग्राफी है, जैसे मैंने आपको बताया था जिस तरह एक ऐप होती है उस तरह से. ठीक है, पेशेंट ने जो है वो अपना हैंड प्लेस किया और उसने जो है मशीन ने क्या किया, उसने पूरा एक्सरे इमेज जो है वो उसको डिटेक्ट कर दिया. ठीक है, इस तरह से अब ये सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है. बट एट द एंड द थिंग इज के जो आपके पास इमेज है, आपका जो कंसर्न है वो किसके साथ है कि इमेज किस तरह का आ रहा है. ठीक है, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं, दिस एंड दैट. ओके जी, अब यूजेस बच्चों हमने पहले भी पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाए थे जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. ठीक है, अब आपने दोनों यूजेस जो है वो बेसिकली क्या करने हैं, कंबाइन कर लेने हैं. वैसे ऑल टुगेदर जो है वो दोनों सेम ही है. Based on the energy of the radiation, X-rays have wide range of uses like in medical field, industrial workplaces, security purposes, etc. ठीक है जी, आपके जो industrial work है, जो हमारी industries होती है, वहाँ पे अगर किसी कोई machines में कोई crack है या नहीं है, ठीक है, उसको detect करना हो तो X-rays use हो रही होती है. ठीक है, इसी तरह से जो security हमारे cameras होते हैं इसके अंदर भी जो है वो use हो रही होती है. इसी तरह से फिर जो medical field है, ठीक है, medical field तो आपको पता है कि diagnostic purposes के लिए जो है वो हम इसको use कर रहे हैं. एक्सरे यूज इन एक्सरे स्कैनर्स. ठीक है जी, डिफरेंट स्कैनर्स में हम इसको यूज करते हैं. एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी. अब क्रिस्टेलोग्राफी क्या होती है कि अगर आपने किसी भी कोई क्रिस्टल है, ठीक है, रूबी ले लें या कोई भी क्रिस्टल ले लें, सफायर ले लें, उसको अगर आपने उसको हमने इन डीप उसकी स्टडी करनी है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स की स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सरे को उससे पास करते हैं, उसकी स्टडी जो है उसके थ्रू करते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी. इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी एंड सीटी स्कैनिंग. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया कि इंडस्ट्रीज में हमने कोई मशीन को जो है उसकी किसी पार्ट को डिटेक्ट करना हो, कोई जो है वो वहां पे कोई डिफेक्टेड पार्ट है उसको डिटेक्ट करना हो, तो उसमें भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, सीटी स्कैनिंग में मैंने आपको बताया था सीटी स्कैन जो है उसमें भी हमारे पास एक्सरेज भी यूज हो रही होती है. ठीक है, एक्सरेज हैज एन इमेंस रोल इन द मेडिकल फील्ड, डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक. ठीक है, डायग्नोसिस के लिए तो हम इसको यूज करते ही करते हैं, बट आप इसको थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हम जो है वो ये भी देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास एक्सरे यूज हो रही है. ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी को हम इंटरवेंशनल जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पर भी जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बच्चों आपको ये सारा डिफरेंट यूजेस बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सरे की यूजेस जो है वो अदर देन मेडिकल फील्ड क्या है. ठीक है, मेडिकल में तो हम एक्सरे कर रहे हैं, पेशेंट का इमेज ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. ठीक है,
लेकिन इसके अलावा एक्सरेज हमारे जो है वो डेली रूटीन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैनर्स में हो रही है, इंडस्ट्रियल वर्क्स में यूज हो रही है, ठीक है, जैसे क्रिस्टलोग्राफी में यूज हो रही है, ये आपको जो है वो जो है वो उसका आइडिया होना चाहिए। ओके बच्चों, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायग्नोस्टिक यूजेस एंड थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है, दो तरह के आपके पास बेसिकली इसमें जो है वो यूजेस है। एक्सरे इज द मोस्ट प्रेफर्ड टूल फॉर डिटेक्टिंग एनी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज फ्रैक्चर, ट्यूमर, डीजेनरेशन। इट इज ऑल्सो यूज डिटेक्ट अदर केसेस लाइक पर्मनेंट ट्यूमर प्रोसेस, लंग एब्सेस एटसेट्रा। ठीक है जी बच्चों, तो मैंने आपको डे वन पे बताया था कि हम सबसे पहले तो इसको जो मोस्ट फ्रॉम हमारा जो पुराना टूल है जो कि हम इसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारे पास कौन सा, एक्सरे। ठीक है, वो डीजनरेशन हुई हुई है बॉडी में, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, कहीं ट्यूमर है, पल्मोनरी यानी कि चेस्ट एक्सरे जब हम करते हैं तो किडनी में कोई स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, लंग के इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए भी आप जो है वो क्या करते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए हम एक्सरे को जो है वो यूज करें। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, इट इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट टू किल द मैलिग्नेंट सेल्स। ठीक है जी, अब आप देखेंगे जो हमारे पास बेसिकली कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में भी हम बेसिकली स्पेसिफिकली दो रेज पे फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास कौन सी, एक्स रेज, और दूसरी होती है हमारे पास कौन सी, गैमा रेज। ठीक है, तो अब अगेन ये आपका वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा आप बताए कि एक्स रेज के थेराप्यूटिक यूजेस कौन कौन से है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कैंसर की ट्रीटमेंट में जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं बेसिकली उनको किल करने के लिए भी हम एक्सरेज को यूज करते हैं। ओके, सो देन एक्सरेज आर यूज्ड इन मेडिसिन फॉर मेडिकल एनालिसिस, डेंटिस्ट यूज देम टू फाइंड कॉम्प्लिकेशंस, कैविटीज एंड इंफेक्टेड टीथ। ठीक है जी, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सरेज हम दांतों का भी करते हैं, ठीक है, जिसमें पूरी कैविटीज अगर हमने देखनी हो कि कोई इनामल तो नहीं है, टूथ इनामल तो नहीं है, आपके गम्स डैमेज तो नहीं हुए हुए, ठीक है, और उसके अलावा जो आप दांत है उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, कोई रूट कैनाल करनी है या कोई दांत किसी ने लगवाना है, डेंचर लगवाना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सरेज है वो करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपीजी कहते हैं। सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज आर ट्रांसपेरेंट टू द बेस, बोन्स एंड टीथ ब्लॉक द रेज एंड शो अप एज वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है जी, आपके पास टीथ या जो बोन्स होती है पूछने हमारे पास व्हाइट कलर की नजर आ रही होती है। ये मैं आपको आगे जो है वो क्लियर करती हूँ कि कौन सा टिश्यू जो है वो किस तरह से जो है वो एक्सरे पे आपको नजर आ रहा होता है। मिरर्स ऑफ एक्सरे शोइंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन थॉट बाय पीपल, फॉर एग्जांपल सोना सेफ्टी पिन एंड चाइल्ड स्टमक विद ऑल पीसेस ऑफ अ मैग्नेटिक टॉय रीअलाइन आफ्टर ही इज स्वॉलोड देम वन बाय वन। ठीक है जी, तो ये बेसिकली देखिए, आप अगर किसी बच्चे ने जैसे फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी पिन इनहेल कर लिया, ठीक है, या उसने कोई भी कोई मैग्नेट है या कुछ इनहेल कर लिया, तो आपको ये जो सारे इसको आर्टिफैक्ट्स कह रहे होते हैं, ठीक है, ये भी आपको जो है वो क्या होते हैं, एक्सरे के ऊपर डिटेक्ट जो है वो इजीली हो जाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ तक हो गया कि एक्सरेज होती है, ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड एक्सरे मशीन जो है उसके क्या कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है, देन मैंने आपको बताया कि एक्सरेज जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमने थ्री स्टेप्स जो है वो उसके अंदर पढ़े, देन बच्चे मैंने आपको जो है वो बताया है कि बेसिकली हमारे पास एक्सरेज के जो है वो स्पेसिफिकली दो तरह के मेजर जो है वो यूजेस है, ठीक है, एक है आपके पास डायग्नोस्टिक यूजेस और सेकंड है आपके पास थेराप्यूटिक यूजेस। ठीक है, उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया है कि अदर देन मेडिकल फील्ड हमारे पास एक्सरेज जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है, स्कैनर्स में, सीटी कैमरास में, एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो अब आपको जो है वो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउ टू रीड एन एक्सरे। ठीक है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो आपके पास जब आप क्लिनिकल जो है वो काम करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट आपके पास बेसिकली एक्सरे लेके आता है, ठीक है, आप उसको रेफर करते हैं, वो आपके पास फिल्म लेके आता है, तो वो जो फिल्म लेके आता है, अब आपने उसको पढ़ना किस तरह है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़, ठीक है। बोन्स आपको किस तरह से नजर आएंगे जी, बोन्स ब्लॉक रेडिएशन अपीयर्स वाइट, मसल फ्लूइड फैट हमें ग्रे कलर का नजर आएगा, फ्रैक्चर्स वगैरह जो है वो भी आपको इसके अंदर नजर आ जाएंगे और यूजली ब्लैक कलर की नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम आगे जो है वो एक तो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, उससे आपको बड़ा इजीली क्लियर हो जाए। ओके, बेसिकली ये फाइव तरह की ओपेसिटीज है, एयर है, फैट है, सॉफ्ट टिश्यू है, बोन है, मेटल है। ठीक है, यानी कि आपको एयर किस तरह की नजर आएगी, फैट किस तरह का नजर आएगा, बोन किस तरह की नजर आएगी, मेटल किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक्सरेज में मिलेंगी, ओपेक या ओपेसिटी या ल्यूसेंस, ठीक है, ये दो टर्म्स है बेसिकली आप याद रखें। An area that absorbs or scatters a large amount of X-ray beam before they reach the detector appears whiter on X-ray. ठीक है, अब वो area जो क्या करता है,
एक्स रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सारा खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वो डिटेक्टर तक नहीं जाएगा, एक्सरे को जो एरिया है वो क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इस तरह के एरियाज होते हैं वो क्या अपीयर होंगे, व्हाइट कलर के अपीयर होंगे, ठीक है। अब सेंसी क्या है, एन एरिया वेयर एक्सरे बीम पास थ्रू विदाउट एनी इंटरफेरेंस टू रीच द डिटेक्टर इज ब्लैकर ऑन एन एक्सरे, थिकनेस ऑफ टिश्यू आल्सो अफेक्ट एक्सरे अब्सॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये क्या है कि एक्सरे का जो हमें एक्सरे के ऊपर इमेज नजर आ रहा होता है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है कि टिश्यू किस तरह का है, ठीक है। जो ये स्लाइड है इसका ये मतलब है कि जो भी टिश्यू है जिससे आप एक्सरे पास कर रहे हैं उसकी जो है डेंसिटी है उसके ऊपर पता जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसने किस तरह का इमेज जो है वो एक्सरे के ऊपर देना है, ठीक है। वो एरिया जो सारे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और डिटेक्टर तक एक्सरे को पहुंचने नहीं देते, वो किस तरह का नजर आता है, व्हाइट कलर की नजर आता है, ठीक है। और वो एरियाज जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि सारी एक्सरे उनसे इजीली पास कर जाती है, ठीक है, और वो डिटेक्टर पे चली जाती है, वो जो है वो किस तरह के आपको नजर आएंगे, ब्लैक कलर के नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम एक और स्लाइड पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको उससे मजीद क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि ये डिफरेंट एरियाज है, ठीक है, और उनकी जो है वो डिफरेंस क्या है, थिकनेस है, ठीक है। ये इतनी थिकनेस है, इसकी थिकनेस इतनी है, इसकी थिकनेस ज्यादा ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। जितनी जितनी ज्यादा थिकनेस होती जा रही है उतना क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन रेस की कम होती जा रही है, ठीक है। ये आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये ठीक है, ये जितनी ये रेस जो है वो क्या हो रही है, ट्रांसमिट होती जा रही है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो ब्लैक है, फिर लाइट ग्रे कलर, फिर उससे ग्रे कलर का कम, फिर बिल्कुल लाइट सा ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, एंड देन जो है वो व्हाइट का कॉम्बिनेशन, okay, radiograph x-rays, radio density is a representation of relative tissue density based on the appearance of the tone of the tissue, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टिश्यू की डेंसिटी पे, टिश्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का आपको इमेज आना है, व्हाइट आना है, ग्रे आना है या ब्लैक आना है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। हेयर ब्लैक अपीयरेंस ऑफन सीन इन स्ट्रक्चर्स सच एज द लंग्स, बॉवल्स, ट्रेकिया, ठीक है। अगर आप कोई एक्सरे देखें तो आपको पता चलेगा कि जो वहाँ पे लंग्स है, ट्रेकिया है या बॉवल्स है, वहाँ पे क्या होगा, आपको ब्लैक ब्लैक सा नजर आएगा, ठीक है। अगर आपने कोविड के पेशेंट देखे होंगे तो आपने देखा होगा ना कि एक्सरे सारा उनका वाइट वाइट हुआ होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे एयर जो है वो उसकी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह से फैट आपको किस तरह से नजर आएगी, डार्क ग्रे अपीयरेंस नजर आएगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज है वो आपको डार्क ग्रे कलर के नजर आएगा। देन मसल है, टेंडन है या कोई ऑर्गन टिश्यू है वो आपको किस तरह से नजर आएगा, या तो माइल्ड ग्रे सा नजर आएगा या फिर किस तरह से नजर आएगा, न्यूट्रल, यानी कि ना ही वो व्हाइट होगा, ना ही वो डार्क ग्रे होगा, ना ही वो लाइट ग्रे होगा, ठीक है, न्यूट्रल सा कलर होगा। इसी तरह से बोन जो है वो हमें किस तरह से नजर आती है, यूजली व्हाइट कलर की नजर आती है। देन अगर कोई मेटल है, ठीक है, पेशेंट ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है या कोई और इम्प्लांट वगैरह है तो वो आपको किस तरह से नजर आएगा, वो भी आपको कम्प्लीट व्हाइट कलर का जो है वो नजर आएगा। अच्छा जी, ये अब आप देखें, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एयर जो है वो किस तरह की नजर आ रही है, कम्प्लीटली ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ठीक है। फिर फैट जो है वो उससे थोड़ा सा जो है वो क्या है, उसको हम कह सकते हैं डार्क ग्रे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू उससे थोड़ा सा माइल्ड ग्रे आ गया, ठीक है। फिर बोन जो है वो आपको या तो व्हाइट, ठीक है, या जो है वो आपको क्या है, बिल्कुल लेस सा जो है वो लाइट सा ग्रे कलर सा जो है वो नजर आएगा। और अगर कोई मेटल होगी, कोई इम्प्लांट होगा, कोई एक्सटर्नल होगी, कोई इम्प्लांट वगैरह हुआ होगा, तो आपको किस तरह का नजर आएगा, क्लियरली व्हाइट कलर का जो है नजर आएगा, ठीक है। तो ये ग्रे स्केल जैसे कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं एक्सरे इमेज को रीड करने के लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको पिक्चर नजर आ रही है कि इसमें ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू अभी हमने पीछे पढ़ा था कि आपको किस तरह से नजर आएगा, थोड़ा सा जो है वो डार्क से माइल्ड ग्रे कलर का नजर आएगा, ठीक है। फैट मैंने आपको बताया था किस तरह से नजर आएगी, आपको डार्क ग्रे कलर की नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह से हमने पढ़ा था एयर, एयर हमें किस तरह की नजर आएगी, ब्लैक कलर की नजर आएगी, ठीक है, या आपको ब्लैक कलर की नजर आती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बोन जो है वो आपको किस तरह की नजर आएगी, व्हाइट कलर की नजर आएगी, या फिर आपको थोड़ा सा उसमें ग्रे से जैसे आपको ये इमेज आ रहा है, शेड आ रहा है, वो इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। तो बच्चों अब आपने ये जो है वो याद रखना है कि एयर किस तरह की नजर आती है एक्सरे पे, फैट किस तरह की नजर आती है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू किस तरह के नजर आते हैं और बोन किस तरह की नजर आती है, ओके, ठीक है जी। ये आप इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे आपका चेस्ट का, तो फिर मैं आपको इसमें और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। देखिए अगेन बोन आगे क्लैविकल आपको व्हाइट नजर आ रही है,
लंग्स में एयर होती है, तो ये देखिए ये ब्लैक कलर की नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फैट है, तो ये आपको जो है वो डार्क ब्लैक कलर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रे कलर की होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये इमेज जो है वो थोड़ा सा पीक ही लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये डार्क ब्लैक जो है वो ग्रे में आएगा आपको। अब बच्चों एक ना ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप पेशेंट जो है ना वो ये भी डिपेंड कर रहा है कि किस मशीन ने एक्सरे किया है, ठीक है, अगर कोई चीप मशीन है, ठीक है, या वो कोई पुरानी मशीन है, या उस मशीन के अंदर कोई डिफेक्ट है, तो फिर क्या होता है कि एक्सरे का इमेज आपको क्लियर नहीं नजर आता। अब आप एक एक्सरे कराएंगे चुपकाई है आपसे, ठीक है, उसका जो इमेज आएगा, और एक जो है वो किसी पेशेंट ने जिना हॉस्पिटल से कराया होगा, ठीक है, जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सा इमेज क्लियर है, ठीक है, जो आपको अच्छी मशीन होगी प्रॉपर वर्किंग मशीन से करवाया हुआ होगा, ठीक है, या जो एक कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट ने किया होगा, उसमें आपको बड़ा अच्छे से यही सारे नजर आएंगे कि एयर ब्लैक नजर आएगी, इसमें नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मशीन में कोई डिफेक्ट था, या जो है वो जो रेडियोलॉजिस्ट था उन्होंने प्रॉपरली एक्सरे नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आपको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको फैट जैसे आपके यहाँ पे जो है उस तरह की नजर आ रही है, व्हाइट कलर की नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने रूल बताया है वो आपने जो है उसको फॉलो करना है, ओके बच्चों। उसके बाद आते हैं आस्किंग फॉर एन एक्सरे, ठीक है जी। अब आपने जब भी पेशेंट से एक्सरे के लिए पूछना है या आपने उसको रेफर करना है, तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो माइंड में जरूर याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हम भी एक्सरे जो है वो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप भी डायरेक्ट असेस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पेशेंट को रेफर भी कर सकते हैं। बोथ एपी एंड लेटर व्यूज शुड बी टेकन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। आपने हमेशा पेशेंट के दोनों व्यू जो है वो व्यूज लेना है, एपी भी लेना है और लेटर भी लेना है, एक व्यू नहीं लेना, ठीक है। स्पेशल व्यूज इन सम केसेस शो द फ्रैक्चर बेटर, ठीक है। कुछ स्पेशल व्यूज होते हैं कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स के लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से व्यूज है। एक्सरे रिक्विजिशन मस्ट स्पेसिफाई द एरिया ऑफ सस्पेंशन, ठीक है जी। जो भी एरिया बेसिकली पेशेंट का आपने डिटेक्ट करना है, वो अकेले ही बात आ जाती है कि डिपेंड कर रहा होता है कि वो एरिया कौन सा है, वो ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है या लेस अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एक्सरे ऑफ द पेल्विस विद बोथ हिप शुड बी आस्क्ड फॉर इन ऑल केसेस ऑफ सस्पेक्टेड पेल्विक इंजरी। फॉर एन एक्सरे इवैल्यूएशन ऑफ हैंड्स एंड फीट एंटीरियर लेटरल एंड ऑब्लिक व्यूज नॉट लेटरल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है वो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हिप का करना है तो आपने हिप बोन के साथ, अब आपको पता है पेल्विस भी अटैच है, ठीक है, तो आपने साथ पूरे पेल्विस की जो है वो क्या करते हैं एक्सरे भी आपने लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ एरिया में पेन है तो आप हिप का एक्सरे जो है वो उसको रिकमेंड करें, ठीक है। हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है वो जरूर साथ साथ एरियाज देखने होते हैं जहाँ पे पेशेंट को पेन। इसी तरह से कुछ बॉडी में एरियाज हैं, जैसे कि अगर पाँव है या हाथ में पेशेंट को पेन है या कोई मसला है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्पेसिफिकली हम एपी व्यू या एंटीरियर लेटरल और ऑब्लिक व्यू जो है वो प्रेफर करते हैं रादर देन लेटरल व्यू, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि बच्चों स्मॉल हैंड्स और फीट के जो जॉइंट्स है बेसिकली स्मॉल है, ठीक है, तो वो एंटीरियर लेटरल और ऑब्लिक व्यू में आपको ज्यादा क्लियर नजर आएंगे एज कम्पेयर टू एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। ये व्यूज क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर और रूल्स एक्सरेज के क्या है, ठीक है। बेटर नो एक्सरे देन वन व्यू ऑफ एक्सरे, ठीक है। आपने पेशेंट को अगर एक ही व्यू के लिए कहना है तो बेहतर है कि आप उसको एक्सरे के लिए कहें ही ना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्चर जो है वो एक व्यू में आपको नजर नहीं आता, ठीक है, मोर देन वन व्यू में नजर आता है। एक्सरे इज अ शैडो इट कंसील्स एंड डिस्टॉर्ट्स एंड इंटरप्रेट एक्सरे विद कॉशन, ठीक है जी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मशीन एरर भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, तो आपने इस चीज को बड़े कॉशन ही जो है वो देखना है कि एक्सरे में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मशीन का डिफेक्ट है, एक्सरे ठीक किया नहीं किया, या पेशेंट को एक्चुअल में ही कोई मसला है। जॉइंट अबव एंड जॉइंट बिलो शुड बी इंक्लूडेड विद द फ्रैक्चर अंडर स्टडी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जब भी आपने किसी भी फ्रैक्चर की स्टडी करनी होती है या कोई हमें लगता है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों जॉइंट्स को हमें अंडर कंसिडरेशन जो है वो लेकर आना होता है, ठीक है। देन द फ्रैक्चर शुड इन द मिडल ऑफ द फिल्म, ठीक है जी। फिल्म की वही बात है कि अगर जो है वो ये पूरी एक्सरे फिल्म है और जॉइंट इधर नजर आ रहा है, ये पूरी फिल्म खाली है, तो आपको प्रॉपर इमेज नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने बच्चे एक्सरे तो लिया नहीं है, लेकिन हाँ आप पेशेंट को यूज जरूर कर सकते हैं कि आपका एक्सरे जो है वो उसका प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आप दोबारा से प्रॉपर एक्सरे करवा के लाएं और आप उसको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किस हॉस्पिटल से करवा लें या किस लैब से करवा लें। एक्सरे एक्सपोजर शुड बी एडिक्वेट एंड द सॉफ्ट टिश्यू शैडो बी डिजाइन्ड प्रॉपरली, ठीक है। वही बात है कि अगर प्रॉपरली एक्सपोजर नहीं हुआ एक्सरे का, ठीक है, या प्रॉपरली लियर नहीं किया हुआ एक्सरे, तो वो आपको किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की एनोमली होगी या कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट की होगी, वो आपको प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। एक्सरे शुड बी रीड बाय होल्डिंग द फिल्म इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब डेफिनेटली आपने उसको जो एनाटॉमिकल पोजीशन है जॉइंट की या बोन की, उसी में ही पकड़ना है
अदरवाइज सारी एनाटॉमी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का भी आपने जरूर ध्यान रखना है। अवॉइड अननेसेसरी एक्सरेज, ये हमने डे वन में ही डिस्कस कर लिया था कि हमने पेशेंट को अननेसेसरी एक्सरेज जो है वो क्या करने होते हैं, अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। क्यों अवॉइड करने होते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सरेज जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो हार्मफुल हो सकती है, इसलिए हमने विदाउट एनी रीजन पेशेंट को एक्सरे नहीं रिकमेंड करना। ओके, चेक एक्सरेज आर टू बी टेकन विदाउट डिस्टर्बिंग द प्लास्टर कास्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट को प्लास्टर लगा हुआ होता है, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, पीओपी कास्ट लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट से कहते हैं एक्सरे करवाए, ठीक है। फिर हम एक्सरे में देख लेते हैं कि जो उसकी हीलिंग है वो हो गई है, अगर हीलिंग हो जाती है तो कास्ट रिमूव होती है, अगर हीलिंग नहीं हुई होती तो हम क्या करते हैं, कास्ट को मजीद 2 से 3 वीक्स के लिए क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये पॉइंट्स आपको जो है बहुत यूजफुल साबित होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ टू। अब टू का रूल बेसिकली आपको क्या कहता है, वो ये कहता है आपने हमेशा पेशेंट के टू व्यूज देने हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर, जिसको आप एपी व्यू भी कहते हैं, और लैटरल व्यू, ठीक है। दोनों व्यूज देने हमेशा पेशेंट की, देन टू जॉइंट, जॉइंट अबव एंड जॉइंट बिलो, ठीक है। जो जॉइंट अबव है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रैक्चर है तो आपने पेशेंट का अबव जॉइंट का भी एक्सरे करा लेना है और उसका बिलो का भी करा लेना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ऊपर और नीचे की जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स है वो अफेक्टेड हुए हैं इंजरी से, ट्रॉमा से या नहीं। देन टू ओकेजंस रिपीट एक्सरे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो उसके इंजरी हुई थी, ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद दोबारा उसकी जो है वो दोबारा गिर गया, लेट सपोज, ठीक है ना, एक हफ्ते की डिस्टेंस से वो दोबारा गिर गया, तो आपको क्या होगा, एक्सरे को रिपीट करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो हीलिंग फेज में था और हीलिंग फेज में उसको दोबारा से इंजरी हो गई है, तो आपको क्या होगा, एक्सरे रिपीट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मजीद वर्स तो नहीं होगी सिचुएशन, ठीक है। देन टू लिम्स कंपेयर, ठीक है, हमेशा आपने दोनों लिम्स को जो है वो कंपेयर करना होता है, अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड, ठीक है बेटा। तो अब ये भी बड़ा आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सरे के लिए रूल ऑफ टू जो है वो उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आप मुझे ये 4 पॉइंट्स जो है वो उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये रूल ऑफ टू बेसिकली हमें क्या कहता है, कि टू क्यों इंपॉर्टेंट है एक्सरे, ठीक है। टू व्यूज देने हैं, टू जॉइंट्स को देखना है, टू लिम्स को कंपेयर करना है, और टू दो दफा आप एक्सरे को जो है वो रिपीट करना है, या आपने जो है वो अगर रिपीटेड इंजरी हो रही है तो आप उसको रिपीट करना है। Okay, reading an X-ray view box should be used in all cases. If a fracture is obvious, one must make note of the following points. ठीक है, ये तो बेटा आपने देखा होगा जो X-ray के लिए हम use कर रहे होते हैं, जिसमें X-ray image को रख के जो है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। X-ray view box जो होता है, आप कोशिश करें कि उसी के अंदर जो है वो X-ray रख के properly जो है वो उसको read करें। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो बैकग्राउंड से लाइट आती है वो प्रॉपर इमेज देती है, ठीक है, सारी आपकी बोन्स की एनाटॉमी जो है वो क्लियर हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि आप उसको लाइट के इधर उधर करके जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना एक्सरे, तो तब आप जरूर उसको फोकस करें, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो चलिए फिर तो आपको जो है वो पेशेंट के जो है वो चलने से भी पता चल जाता है कि क्या मसला है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं, विच बोन इज अफेक्टेड, ठीक है, कौन सी बोन पेशेंट की अफेक्टेड है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि जो एंकल में मसला है और पेशेंट को एक्चुअल मसला जो है वो उसमें नी में है, तो आपने गलत रेफर कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये डिटेक्शन सबसे पहले करनी है कि पेशेंट की किस बोन में मसला है, उस बोन का फिर स्पेसिफिकली हम एक्सरे रेफर करेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बोन इज अफेक्टेड, लाइक शाफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब बोन पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फीमर पेशेंट की जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है। अब फीमर का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है, उसका हेड का मसला है, उसके शाफ्ट का मसला है, नेक ऑफ द फीमर का मसला है, ठीक है ना, कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ पे बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, ये आपने फिर देखना है, ठीक है। ये नेक्स्ट बात होगी। थर्ड पॉइंट आपने क्या देखना है, एट व्हाट लेवल इज द फ्रैक्चर, वेदर द फ्रैक्चर इज इन द अपर लेवल और लोअर थर्ड, ठीक है। अब हमने देख लिया बोन कौन सी है, बोन का पार्ट कौन सा है, उसके बाद अब आपने क्या देखना है कि फ्रैक्चर जो है वो बोन के किस पार्ट को सिलेक्ट होगा, अपर पार्ट में है, मिडल में है, या लोअर में, ठीक है ना। अब आप ये बेसिकली देखिए स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे ना एबीसी के थ्रू, तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा डिटेक्ट करना कि कहाँ पे मसला आ रहा है। देन What is the pattern of fracture? ठीक है जी, आप type of fracture भी आप इसको कह सकते हैं, किस type का fracture है, ठीक है। आप लोगों ने fracture की types I think पढ़ी होंगी शायद, ये आगे भी है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद is the fracture displaced? ठीक है, fracture displaced है, bones अपनी जगह से displaced हो चुकी है, या वो still आपस में attached है fracture के बाद, ठीक है।
जो बोन्स अटैच रहती हैं उसके फ्रेगमेंट अटैच रहते हैं उसको हम कहते हैं नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। और अगर फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाए, ठीक है, बोन के पार्ट सेपरेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। जो नॉन डिस्प्लेस होता है उसमें हमारे पास चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं रिकवरी के, ठीक है, बोन हीलिंग के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। और जो डिस्प्लेस्ड होता है उसमें फिर हमें जो होता है वो क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। देन इज द फ्रैक्चर एक्सटेंडेड टू नियर बाय जॉइंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट का पता होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि कभी कभी ये होता है कि फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंड करके जो नियर बाय जॉइंट्स हैं वहां तक भी जो है वो चली जाती है। Does the underlying bone appear pathological, like a cyst, abnormal of the whole bone, etc. ठीक है? तो अब जो bone आप study कर रहे हैं, आप उसको देख लेना है कि इसके अंदर कोई pathological changes तो नहीं आएंगे, ठीक है? Osteoporotic तो नहीं है, density तो नहीं bone की कम हुई हुई, ठीक है? Bone itself जो है वो weak तो नहीं है, ठीक है? तो ये आपने bone की जो health status है, उसको भी साथ साथ जरूर देखना है, ठीक है? ये नहीं कि आपने X-ray देखा और आपने कहा कि भाई fracture है, that's it. No. आपने हर तरह से आपने एक एक चीज देखी है, ठीक है ना? Affected कौन सा पार्ट है, उसके बाद जो है वो किस टाइप का फ्रैक्चर है, डिस्प्लेस्ड है, नॉन डिस्प्लेस्ड है, ओवरऑल बोन की हेल्थ क्या है, फ्रैक्चर तो हो गया है, बोन किस तरह की है, क्यों, क्योंकि पेशेंट आपसे पूछेगा कि भाई अब तो मैं हील कर जाऊंगा लेकिन 2 से 3 साल बाद मुझे दोबारा तो नहीं चांसेस है कि मेरा फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा हमें बोन की डेंसिटी से ये भी पता चलेगा कि पेशेंट की कैल्शियम, विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी है या नहीं है, ठीक है। तो आपने पेशेंट को साथ साथ में सप्लीमेंट भी रेफर करने होते हैं, इसलिए बोन हेल्थ जो है उसकी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Is it a fresh or an old fracture? ठीक है, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर जो है वो ये भी आपको देखना जरूरी है कि रिसेंट इंजरी के बाद का फ्रैक्चर है या ये कोई पुराना फ्रैक्चर है और पेशेंट उसको इग्नोर करता रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्सर ये होता है कि पेशेंट फ्रैक्चर के साथ ही जो है वो वेट बेयरिंग कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है वो यूज टू हो जाता है पेन के और उसको लगता है कि शायद ये पेन जो है वो इसी तरह या मुझे उसके साथ रहना है, ठीक है, और वो फ्रैक्चर के साथ ही वेट बेयरिंग कर रहा होता है, चल रहा होता है अपनी रूटीन की एक्टिविटी जो है वो कर रहा होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक जो है वो बेसिकली मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बताया वो क्या था, 2 रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। रूल ऑफ 2 क्या है एक्सरे के लिए, सेकंड बच्चों आपको पता होने चाहिए जो मैंने इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आपको पता होने चाहिए कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं व्हाइल रीडिंग द एक्सरे, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरे व्यूज, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि हमने एक व्यू नहीं लेना, 2 व्यू लेने। स्पेसिफिकली जो यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास जो मैंने आपको नजर आ रहे स्क्रीन पे एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू या जिसको हम एपी व्यू भी कहते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू भी होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास होता है लैटरल व्यू, फिर होता है आपके पास ओब्लिक व्यू और उसके अलावा कुछ होते हैं स्पेशल व्यूज। अच्छा जी बच्चों, अब आप देख लें एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू क्या होता है, ठीक है, नाम ही उसका इंडिकेट कर रहा है, एक्सरे बीम इज एक्सपोज्ड from the interior side of the body part, the beam casts a shadow on the X-ray plate that is kept behind the body part. ठीक है, anterior posterior क्या मतलब है कि जो X-ray detector होगा वो body के back side पे होगा, ठीक है, और जो rays है वो क्या होंगी interior side से pass करेंगे, ठीक है, यानी कि ये अगर for example interior है तो यहाँ से X-rays pass करेंगे और detector इसके back side पे लगा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह से lateral view क्या है, the X-ray beam is exposed from the lateral aspect of the part, ठीक है। अगेन वही बात है बेटा कि इसमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एंटीरियर पोस्टीरियर का क्या मतलब है कि एंटीरियर पोस्टीरियर की एक्सरे जो है वो पास करेंगे, ठीक है। लैटरल व्यू का क्या मतलब है कि जो एक्सरे बीम है वो बॉडी के लैटरल एस्पेक्ट से जो है वो पास करके फिर डिटेक्टर तक जाती है, ओके। देन आ जाता है हमारे पास ओब्लिक व्यू, ओब्लिक व्यू का क्या मतलब है डायगोनल, ठीक है, जैसे डायगोनल होता है ना इसी तरह से होता है ओब्लिक व्यू। द एक्सरे बीम इज एक्सपोज्ड फ्रॉम अ प्लेन व्हिच इज ओब्लिक टू द बॉडी पार्ट on which the X-ray beam is focused, ठीक है। तो इसमें वही बात आ गई जैसे मैंने आपको बताया है कि ओब्लिक या जो डायगोनल पैटर्न में जो है वो एक्सरे बीम जो है वो बॉडी के पार्ट से जो है वो पास होगी, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ पिक्चर तो आपको पता चल, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये है पेशेंट का बॉडी पार्ट, ठीक है, आर्म का हम एक्सरे ले रहे हैं और ये नीचे क्या है एक्सरे डिटेक्टर लगा हुआ, ठीक है। अब ये सबसे पहला हमारे पास क्या है जो एपी व्यू है, ठीक है, एपी व्यू में मैंने आपको क्या बताया था एक्सरे इंटीरियर भी पास करेगी, डिटेक्टर पोस्टीरियर लगा हुआ, ठीक है। सेकंड आ जाता है लैटरल व्यू, लैटरल व्यू ये है हमारे पास, इसमें मैंने आपको क्या बताया था एक्सरे जो है बॉडी के कहां से पास करेगी, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी से पास करेगी, ठीक है। ये देखिए एल्बो का लैटरल हिस्सा है तो लैटरल पास से पास करेगी और डिटेक्टर कुछ लगा हुआ है। इसी तरह से ओब्लिक व्यू, ओब्लिक व्यू को जो है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसकी मीडियल एंड लैटरल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओब्लिक व्यू यूजली हम लोग हैंड के लिए, ठीक है, और जो हमारा एंकल है इसके लिए लेते होते हैं क्योंकि ये जॉइंट थोड़े से स्मॉल होते हैं तो उनको जो है वो डिटेक्शन के लिए बेसिकली हमने
ओबीक जो है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आप देखिए ओबीक भी हो गया, आपने क्या कराया पेशेंट को, प्रोनेशन सफिकेशन कह भी सकते हैं इसको आप, ठीक है, या मीडियल और लैटरल रोटेशन करवाई और हमने दोनों साइड का इमेज जो है वो ले लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ जो पेशेंट है ना उसका मसला जो है वो हमारे पास आ रहा है, किसका, जो एल्बो जॉइंट है, घुंघरू अल्नर जॉइंट है उसका जो है वो ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको पता है घुंघरू अल्नर जॉइंट कितना जो है वो स्मॉल जॉइंट है, ठीक है, अब उसको ये रेडियो अल्नर जॉइंट है क्या अगर हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्मॉल जॉइंट है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पेशेंट के डिफरेंट व्यूज ले लिए और अब इन डिफरेंट व्यूज को जो है वो कंपेयर करके हम देखेंगे कि कहाँ पे पेशेंट की जो है वो क्या आ रही है, पैथोलॉजी आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले हमारे पास व्यूज हैं, एपी व्यू, लैटरल व्यू एंड ओब्लिक व्यू। ओके, उसके बाद कुछ स्पेशल व्यूज जो है वो भी, जो कि मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं डाले, बहुत सारे होते हैं लेकिन जो आपको क्लिनिकली मिल सकते हैं उसमें अगर हमारे पास ओब्लिक व्यू, रिस्ट इज डन टू डिटेक्ट स्केफॉइड फ्रैक्चर, द एक्स-रे बीम इज गिवन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन व्हिच इज स्लाइटली स्लैंटेड। ठीक है जी, तो बेसिकली ये ओब्लिक व्यू ही होता है लेकिन इसको हम थोड़ा सा मजीद स्लैंटिंग वे में लेके जाके करते हैं और इसका जो है वो पर्पस क्या होता है, स्केफॉइड फ्रैक्चर को डिटेक्ट करना। ठीक है, अब आपको पता है स्केफॉइड बेसिकली कार्पल बोन है। अब जो आपको ये देखिए, ये आपको आपको पता है ये आपको स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है ना, तो स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको किस तरह आ सकता है, इस तरह आ सकता है कि पेशेंट है, पेशेंट का फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, FOSH, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड। ठीक है, पेशेंट आया, पेशेंट का जो है वो क्या हुआ कि एकदम से पेशेंट गिरा है अपने आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर और पेशेंट को जो है वो रिस्ट में पेन निकल है। ठीक है, रिस्ट में या आर्म साइड में जो है वो पाम साइड में उसको पेन हो गया। ठीक है, तो आप जो है वो बताएंगे पेशेंट को किस टाइप का फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ये भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ, या अगर फ्रैक्चर भी मैं आपको बता दूंगे सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को स्केफॉइड फ्रैक्चर है। ठीक है, तो कौन सा जो है वो व्यू आप पेशेंट को इस केस में रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा रिकमेंड कर सकते हैं, ओब्लिक व्यू जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने आपको बेटा ये पूरा स्नैरियो इसलिए बताया है कि जब आप पढ़ें तो आपने इस तरह से पढ़ना है, रट्टा नहीं लगा लेना कि स्केफॉइड में ओब्लिक ये हो। ठीक है, आपने साथ साथ थोड़ा सा ये भी देखना है कि किस कंडीशन में पेशेंट के साथ क्या हो सकता है और किस उस कंडीशन में हम कौन सा एक्सरे जो है उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड व्यू आ जाता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जरेट व्यू। जरेट व्यू क्यों होता है, टू डिटेक्ट द एसेटेबुलर फ्रैक्चर, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओब्लिक व्यू ऑफ द हिप वेयर द पेशेंट ट्रंक इज रोटेटेड टू कॉन्ट्रालेटरल साइड इन रिलेशन टू द हिप व्हिच इमेज इज बीइंग टेकन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि आपने याद रखना है, एसेटेबुलर फ्रैक्चर आपको पता है क्यों हो सकता है, जो हमारी एसेटेबुलम होती है जहाँ पे हेड ऑफ द फीमर जाके जॉइंट बना रहा होता है हिप का, अगर वो ऑस्टियोपोरोटिक हो तो उसका फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट की वो ऑस्टियोमेलाइटिस हुआ हो साइड पे, ठीक है, तब हो सकता है। ओवर एज पेशेंट भी हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो स्पेसिफिक व्यू है वो क्या है कि जिस साइड का आप इमेज लेना होता है उसके ऑपोजिट साइड पे हम पेशेंट की ट्रंक को जो है वो क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर राइट साइड हिप का जो है वो व्यू लेना है तो हम लेफ्ट साइड पे ट्रंक को मूव कर देंगे, और अगर लेफ्ट हिप का लेना है तो फिर लाइट जो है वो राइट साइड पे ट्रंक को जो है वो रोटेट कर देंगे। ठीक है, इसका भी अब आप खुद से बना सकते हैं, इसका भी आपको जो है वो स्नैरियो बेस बना के मैं पूछ सकती हूँ कि अगर एक पेशेंट है और उसका जो है वो एसिटेबुलर फ्रैक्चर जो है वो उसकी ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ठीक है, या ऑटोमोबाइल इंजरी की हिस्ट्री है और आप जो है वो पेशेंट को लेग में पेन आ रही है, ठीक है, तो आप करेंगे कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा वो किस व्यू या कौन सा व्यू जो है वो आप उसको रिकमेंड जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सेकेंड, ये स्पेशल व्यू है बेसिकली। ठीक है, एक स्कोफॉइड का हो गया, दूसरा ये हो गया, उसके बाद आ रहा है मोशन व्यू, इट इज डन फॉर पटेलो फेमोरल जॉइंट, इट इज टेकन इन सच अ वे दैट ओनली द इमेज ऑफ द पटेला इज ऑब्टेन्ड, द प्रोसीजर इज गिवन द पिक्चर्स बिलो। ठीक है, अब आप प्रोसीजर पे इतना ज्यादा फोकस ना करें, आप सिर्फ ये देखिए कि मर्चेंट व्यू हम क्यों कराते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास फिजियोथेरेपी में पटेलो फेमोरल पेन या पटेलो फेमोरल सिंड्रोम आप लोगों ने जो सुना होगा, जिसमें नी कैप में पेशेंट को जो है वो कंटिन्यूसली पेन आती होती है। ठीक है ना, वेट बेरिंग नहीं हो रही होती पेशेंट की, तो अगर पेशेंट आपके पास पटेला की पेन क्या, अब इसका देखिए अगेन वही बात है, इसका स्नैरियो बन सकता है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो फीमेल पेशेंट है 60 इयर्स की है, वो आपके पास आई है और उनको नी कैप में जो है वो बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या डायग्नोज कर सकते हैं उसको। ठीक है, या अगर मैं आपको डायग्नोसिस बता भी दूं कि अगर पेशेंट को जो है वो सस्पेक्टेड है कि उसको पटेलो फेमोरल सिंड्रोम है लास्ट 2 मंथ से, ठीक है, और अब उसकी वेट बेरिंग जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप उसको कौन सा एक्सरे व्यू जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वाई, ठीक है, वाई इस वजह से करें कि क्योंकि देखिए इमेज वो कह रहा है कि ये
जो व्यू है वो हमें सिर्फ स्पेसिफिकली जो है वो क्या करता है, पटेला को ही जो है वो विजुलाइज करके उसका इमेज दे रहा होता है। तो आप लोगों ने बच्चों जो पढ़ना है तो इस तरह से आपने स्नेरियो जो है वो माइंड में जरूर रखना है, ठीक है। इसके बाद आ रहा था हमारे पास स्काईलाइन व्यू। स्काईलाइन व्यू जो है वो किसके लिए, बेसिकली कैटिनियम के फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। इट इज टेकन बाय द सेम प्रिंसिपल एज द मर्चेंट व्यू ऑफ पटेला। द एक्सरे बीम इज डायरेक्टेड ओब्लिकली सो दैट इट ओनली कास्ट अ शैडो ऑफ कैटिनियम ऑन द फिल्म, ठीक है। अब बेसिकली इसमें भी आपने अगर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि जो कैटिनियम है उसका फ्रैक्चर अगर पेशेंट का हो जाए, ठीक है, या अगर आपके पास हम कहते हैं कि पेशेंट आता है और वो हील पेन जो है वो आपको बता रहा है और वेट वेरिंग जो है वो उसकी बिल्कुल जो है वो 5% भी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए जब वेट वेरिंग जो है वो 4 है तो उसका क्या मतलब है कि कैल्केनियम कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है, तो पेशेंट जो है वो उसकी वेट वेरिंग बहुत ज्यादा 4 हो चुकी है, ठीक है। तो आप कौन सा जो है वो व्यू उसको सजेस्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कर सकते हैं। स्काईलाइन व्यू जो है उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। उसी बात करते हैं बच्चों डन व्यू। डन व्यू क्या है, इसमें जीरो पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हिप विद द पेशेंट स्पाइन एंड द हिप एंड नी फ्लेक्स एट 90 डिग्री लेग एब्डक्टेड टू 15 टू 20 डिग्री एंड द फीमर इन द न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। ये देखिए आपके पेशेंट को हमने लिटाया हुआ है, हिप और नी जो है वो किसमें है 90 डिग्री पे फ्लेक्स है और जो है लेग्स है उनको हमने 15 से 20 डिग्री एब्डक्शन पे जो है मूव कर दिया और फीमर है उसको न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है। इस तरह का आपके पास इमेज जो है वो, ठीक है। ये भी बेसिकली हमने अगर हिप जॉइंट को जो है वो देखना हो और साथ आपने जो है वो एट द सेम टाइम पेल्विस को भी जो है वो उसका भी इमेज देखना हो तो ये हम जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है बच्चों मॉडिफाइड डन व्यू। इज द स्लाइटेस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द डन व्यू वेयर द हिप इज फ्लेक्स्ड टू 45 डिग्री, ठीक है जी। उधर हमारे पास हिप और नी 90 पे फ्लेक्स थे, यहाँ पे 45 पे फ्लेक्स हो गया। डन व्यू एंड मॉडिफाइड डन व्यू इज मेनली टू सी द स्पैस्टिसिटी ऑफ द फेमोरल हेड which is the core of the cause of the premature arthritis, ठीक है बच्चों। तो basically आप again वही बात आ जाती है, देखिए यहाँ से एक और case scenario बन सकता है कि patient जो है वो आपको लगता है कि young age में early adulthood में patient को जो है वो arthritis के signs आ रहे हैं, ठीक है, और patient आपको जो है वो आगे complain कर रहा है कि उसके hip area में जो है वो pain आ रही है, ठीक है, वहां से उसको popping sounds भी आ रही है, ठीक है, और weight bearing जो है उसकी जो है वो mild to moderate है, क्या, और पेशेंट जो है वो कहता है कि वो हाफ एन आवर से ज्यादा वॉक करता है तो क्या होता है उसको वहां पे पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है वो कौन सा जो है वो ऐसे के व्यू जो है वो स्पेसिफिकली आप इसको इस तरह के पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां बता सकते हैं कि डन एंड मॉडिफाइड डन व्यू जो है वो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो थे वो कुछ स्पेसिफिकली हमारे पास स्पेशल व्यूज है, ओके बेटा। तो जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि जो आपके पास स्पेसिफिक व्यूज हैं जो मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो कौन से हैं और जो स्पेशल व्यूज हैं वो कौन से हैं। चलिए बच्चों टाइम जो है वो हमारे पास बहुत शॉर्ट है, दो क्लासेस आपकी ऑलरेडी मिस हो गई हैं तो यहाँ पे इसको हम करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे। एक दफा मैं आपको समरी बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। हमने बेसिकली क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि एक्सरेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, शॉर्ट वेव लेंथ किसने इसको जो है वो डिस्कवर किया। देन फिर हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड एक्सरे मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं, एनर्जी सप्लाई है, कंट्रोल पैनल है, एक ट्यूब हेड लगा हुआ होता है, उन सारे कंपोनेंट्स का स्पेसिफिकली क्या रोल है, ठीक है, क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको तीन जो है वो सिंपल स्टेप्स बताए हैं एक्सरे प्रोडक्शन के, ठीक है, एक्सरेज फिल्मियोनिक इमिशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, वहां पे जो है वो वोल्टेज जनरेट हुआ, वोल्टेज ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स द एनोड, वहां से एक्सरेज जनरेट हुई, ठीक है, और एक्सरेज जनरेट होगी और जो भी बॉडी पार्ट है वहां से पास होंगे और आपको इमेज जो है वो दे दूंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इमेज बनता किस तरह है ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर हमने जो है वो एक्सरे के यूजेस पढ़े हैं जो कि मैंने आपको डायग्नोस्टिक यूजेस भी बताए हैं, ठीक है, फिर मैंने आपको थेरापूटिक यूजेस भी बताए हैं, फिर मैंने आपको ये बताया कि मेडिकल फील्ड के अलावा हम एक्सरेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर जो है वो हमने जो है वो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, ठीक है, जो कि आपको जरूर माइंड में रखने हैं कि आपने हमेशा पेशेंट का जो है वो अप्रोक्सिमल और डिस्टल एक्सरे जरूर करवाना है अगर आपको लगता है किसका फ्रैक्चर है, ठीक है, किस बोन का फ्रैक्चर है, बोन के किस पार्ट का फ्रैक्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कौन सा एरिया है, अपर है, मिडल है, लोअर पार्ट में है, ओवरऑल बोन की हेल्थ किस तरह की है, ठीक है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, किस तरह की इंजरी से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है,
ये आपको सब कुछ बेटा जो इतना ज्यादा आपको बेसिकली देखना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि पेशेंट आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता है, ट्रिलियंस क्वेश्चन करेगा वो आपसे, ठीक है ना। वो एकदम से बैठा है बेचारा और एकदम से उसका पाँव उड़ा और फ्रैक्चर हो गया, तो उसने तो आपसे आगे सारे सवाल करने हैं, ठीक है। तो आप जब तक आपको खुद ही क्लियर नहीं होगी चीजें तो आप पेशेंट को किस तरह क्लियर करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है या इतना ज्यादा जो है वो क्लीन होके कॉशियस होके एक्सरसाइज जो है वो देखते होते हैं, ठीक है। फिर बच्चे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं, और वो जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि एक्सरसाइज या तो उससे प्रॉपरली पास हो जाएगी या जो है वो टू सम एक्सटेंट पास होगी या जो है वो फुल एब्जॉर्ब हो जाएगी और डिटेक्टर तक जो है वो सम एक्सरसाइज जो है हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो हमने एक ग्रे स्केल किया है कि एयर किस तरह की नजर आती है, सॉफ्ट टिश्यूज किस तरह के नजर आते हैं, ठीक है, वो किस तरह की नजर आती है। अब ये सारा जो है ना वो बच्चों आप लोगों ने मैंने बताया है कि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर कभी ह्यूमन एरर हो या मशीन की कोई एरर दे रही हो तो थोड़ा सा आपको चेंजेस जो है वो नजर आ सकती है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो ग्रे स्केल आपके यहाँ पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकेंड हमने देख लिया कि एक्स रे की टिपिकल जो है वो यूज कौन कौन से है, एपी है, लैटरल है, ओब्लिक है, और सम स्पेशल रूल्स जो है वो भी आपने देखे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट हमने पढ़ा था रूल ऑफ टू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दो जॉइंट्स आपने लेने हैं, दो लिम्स को कंपेयर करना है, और उसके अलावा जो है वो आपने रिपीट करना है एक्सरे, ठीक है ना। अगर दोबारा रीकर हो रही है इंजरी तो आपने उसको भी रिपीट करना है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आप में किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू अस। जो आपकी हैंड रेस करके बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप लोगों की दो क्लास हमारी जो है आई थिंक वन क्लास ही जो लास्ट मिस हुई है या फर्स्ट में थी, ये इंशाल्लाह फिर हम ईद के बाद जो है वो इसकी मेकअप क्लास रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ असेसमेंट प्लान भी शेयर कर दूंगी। आप लोग जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं ये क्लास में जरूर आया करें, ठीक है, टाइम के साथ। जी बच्चे कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को ना समझ आया हो, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है? बच्चे जाग रहे हैं आप लोग, सो तो नहीं रहे हैं? अच्छा जी बच्चे प्रयाल बेटा आप मुझे बताएं, प्रयाल अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। जी अक्सा नोरीन बेटा आपने हैंड रेस किया हुआ, जी बताएं। मैम वो ओपेक और लूसेंट में डिफरेंस एक दफा रिपीट कर दें। ओके फाइन, ठीक है बच्चे। मैंने आपको जो है वो एक सेकंड में आपको स्क्रीन भी शो करके दिखाती हूं, ताकि आप मेरा मैंने आपको ये बताया है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है ना, ठीक है, वो उस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपको एक्सरे का इमेज किस तरह का नजर आएगा, ठीक है। वो एरिया जो सारी रेज एब्जॉर्ब कर लेता है और डिटेक्टर के पास थोड़ी सी रेज जो है वो पहुंचती है, वो किस तरह का नजर आएगा, वाइट नजर आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कौन सी चीज वाइट नजर आ रही है हमारे पास एक्सरे में, ये देखिए मेटल या बोन नजर आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मेटल या बोन क्या करती है कि एक्सरेज को सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और थोड़ी सी रेज जो है वो डिटेक्टर तक हमारे पास जाती है, इसलिए ये हमें वाइट कलर का नजर आता है, ठीक है। सेकेंड बात इसमें क्या थी कि वो एरिया देयर एक्सरे बीम्स पास थ्रू विदाउट इंटरफेरेंस टू रीच द डिटेक्टर, ठीक है, यानी कि वो एरिया जिसमें जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेज को बल्कि सारी रेज को अलाउ कर देगा कि उससे पास हो जाए, वो हमें किस तरह का नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। इसका क्या मतलब है, एयर जो है वो हमें किस तरह की नजर आती है, ब्लैक नजर आती है, क्योंकि एयर से सारी एक्सरेज है वो पास हो जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ल्यूसेंसी जो है वो बेसिकली कौन से एरिया की सबसे ज्यादा है, ठीक है, आप बताएंगे कि एयर की ल्यूसेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है कि सारी रेस को अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ कर देती है, और इसीलिए एयर जो है वो हमें क्या नजर आती है, ब्लैक नजर आती है, ठीक है। और अगर बोन की हम देखें ल्यूसेंसी तो वो जो है वो क्या है, बोन की ल्यूसेंसी जो है वो हमारे पास क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि बोन जो है वो कुछ रेस को सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रेस को अलाउ करती है कि वो कहाँ तक जाए, डिटेक्टर तक जाए। ओके मैम, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि का ऑब्जेक्ट अलाउ कर रहा है अपने अंदर से रेस को पास करना, और कौन सा रेस जो है वो क्या कर रहा है, सारा खुद से ही अब्सॉर्ब कर रहा है और डिटेक्टर तक थोड़ी सी रेंज जो है बचाने के लिए, ठीक है। ओके मैम समझ आ गया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक महमूद आपने हैंडल किया हुआ था। यस मैम, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में लिम्ब देखने का, फिल्म देखने का क्या मतलब है? सॉरी, एनाटॉमिकल पोजीशन में फिल्म देखने का ये जो मतलब कि ये जो एक्सरे की ये है, देख रहे हैं आपको दिखा दे से साइड में करते हैं आपको, ये आगे बनी है बट मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। अब फॉर एग्जांपल बेटा ये कौन सा जॉइंट है जल्दी बताएं, शाबाश। नी जॉइंट है, ठीक है। अब आप देखिए आउटर किस जॉइंट को आप जो है वो ये वाला पार्ट ऊपर हो जाए, ठीक है, टिबिया और फिब्यूला ऊपर चली जाए और फीमर नीचे आ जाए, तो आपको क्लियर समझ नहीं आएगा ना? यस मैम, ये बात इसका ये मतलब है कि आपने ज्वाइंट को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, यानी कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉल बोन्स की जो है वो पोजीशन बनाई है, एनाटॉमी बनाई है, उसी तरह आपने पकड़ना है इस एक्सरे को, आपने इसी तरह से पढ़ के आप व्यू करोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि आप फिब्यूलर और टिबिया वाला पार्ट ऊपर कर दो और फीमर को जो है वो आप नीचे कर दो और आप पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो चांसेस है कि आप एक्सरे गलत रीड करोगे, ठीक है बच्चे। मैम ये जो फ्रेश ओल्ड वाली बोन फ्रैक्चर की बात है मैम, ये भी समझ नहीं आएगी हमें किस तरह, मतलब कि मैम ये जो लिखा हुआ था कि फ्रेश है फ्रैक्चर या फिर ओल्ड फ्रैक्चर है और ऑस्टियोपोरोटिक वाला। अच्छा ठीक है मैम, बता दूंगी। देखिए बेटा फ्रेश है या ओल्ड फ्रैक्चर है उसका ये पता चल जाता है, मैंने आपको बताया था कि अक्सर ये होता है कि पेशेंट क्या करता है, पेशेंट इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है, पेशेंट इग्नोर कर रहा होता है, और कभी कभी होता है कि हीलिंग खुद ही से होना शुरू हो जाती है फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर हील हो जाता है ना तो वहाँ पे आपको एक फ्रैक्चर लाइन के ऊपर कैलस नजर आता है, व्हाइट कलर की कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन पेशेंट आपको बताता है कि मैं 2 हफ्ते पहले गिरा था, ठीक है, लेकिन मैंने एक्सरे नहीं कराया, ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने घर पे रेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और मैंने अपनी वेट भी नहीं कम कर दी, मैंने वर्क पे जाना कम कर दिया, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारी बॉडी में हीलिंग हो रही होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग होना शुरू होती है। तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ कि इसने 2 से 3 हफ्ते तक रेस्ट की है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ एक्सरे से नहीं कराया, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे आपको हल्की सी खुद से नेचुरली हीलिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास कि ये ओल्ड फ्रैक्चर है इसका मतलब है, ठीक है, कि फ्रैक्चर हो गया लेकिन पेशेंट ने उसको सीरियस नहीं लिया, ठीक है, और वो नेचुरल हीलिंग थोड़ी बहुत जितनी होनी थी वो हो गई। और जो फ्रेश फ्रैक्चर है वो आपको इस तरह नजर आएगा तो उसमें आपको कैलस नहीं नजर आएगी, ठीक है, वो आपको वहां पे प्रॉपर सीधी सी आपको फ्रैक्चर लाइन जो है वो नजर आएगी। ओके मैम, ठीक है बेटा, अभी हम इंशाल्लाह ना नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना तो आप इनसे दोबारा क्वेश्चन कीजिए, तो मैं आपको ना इमेज से दिखाऊंगी कि जो फ्रेश फ्रैक्चर होता है उसमें बिल्कुल आपको एक लाइन नजर आ रही है कटी हुई, ठीक है, और जो आपके पास होता है ओल्ड फ्रैक्चर उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलस जो है वो बन जाता है, मैं आपको दिखाई लाइट ग्रे कलर होगा उसका। ये देखिए नीचे ये फ्रैक्चर आपको नजर आ रही है पिक्चर, ये देखिए ये फ्रैक्चर है, ठीक है, यहाँ देखिए बिल्कुल सीधी सीधी सी हमें एक लाइन नजर आ रही है। अब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे अगर नेचुरल हीलिंग शुरू हो जाती है ना तो हम कास्ट लगा के हीलिंग करते हैं, एक होता है जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे अंदर निजाम बनाया है उसके थ्रू हीलिंग होती है, तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा ना आपको कैलस नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट स्पॉट्स नजर आएंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट गिरा 2-3 हफ्ते पहले था और इसने जो है वो एक्सरे नहीं कराया लेकिन नेचुरल हीलिंग शुरू हो गई है, तो ये ओल्ड फ्रैक्चर है, ठीक है, और जो फ्रेश फ्रैक्चर होगा उसे बिल्कुल आपको ये क्लियर कट ब्लैक इस तरह से लाइन नजर आएगा, ठीक है बच्चे। यस मैम, हाँ जी, थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। कोई और स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, कोई जी जी अली सईद ने भी आई गेस हैंड रेज किया था, बच्चे आपका भी कोई क्वेश्चन है? नो मैम, गलती से हो गया था ना जी। और कौन से स्टूडेंट है बेटा? बच्चे आप लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे, ठीक है, ये एग्जाम से आप लोगों की असेसमेंट्स आ जाएंगी फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एलएमएस में सब कुछ आपका अपलोडेड है, लेक्चर्स भी अपलोड है, रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों से ड्राइव शेयर जो है वो कर रही हूँ, ठीक है, तो कोई समझ नहीं आती है तो आप मेल पे पूछ सकते हैं, बट आप लोग साथ साथ पढ़ के आया करें जी। नथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं किसी भी बच्चे को? ओके बच्चों, जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जो हमारी सैटरडे की क्लास है उसमें फिर जो रिमेनिंग रह गया वो हम डिस्कस